13,25,000 रुपए की टप्पेबाजी का एक मामला कानपुर पनकी स्थित एल्डिको फ्लैट से सामने आया। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, वैसे ही पुलिस ने अपनी सर्विलांस टीम को जांच में लगा दिया। इस पर पुलिस को लीड मिली। लीड को पकड़कर कानपुर पुलिस की एक टीम दिल्ली गई, जहां लोकल दिल्ली पुलिस की सहायता से कानपुर पुलिस ने एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की। गिरोह में 8 लोग शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम BBGTS मूर्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग पूरी प्लानिंग करके टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते थे। पंक्चर करने के बहाने, मदद मांगने के बहाने लोगों को चूना लगाते थे। देखिए, 28/9/21 को एक कम्प्लीटली ब्लाइंड केस, बिल्कुल 13,25,000 रुपये का एक टप्पेबाजी घटना हुई थी पंखी रोड में एल्डिको फ्लैट्स के यहाँ। तो हमारे सर्वेलेंस टीम को हमने लगाया है, उसी हमें कुछ लीड्स मिले थे सर्वेलेंस टीम से, उसी लीड के आधार हम दिल्ली पहुँचे थे। वहाँ भी कुछ मुखबिर की सूचना पर हम लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस की सहायता से दक्षिण दिल्ली अंबेडकर नगर मदनगिरी के यहाँ से हम एक अभियुक्त को पकड़ लिया है, और उनसे हम करीब 6,82,000 रुपये बरामद भी कर लिया है। और ये पूरा घटना जो है 28/9/21 को हुआ था, और ये टप्पेबाजी घटना 13,25,000 का है। और बाकी इसमें एक 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 गिरोह के तरह ये लोग काम करते हैं। इसमें 8 लोग हैं, उनका नाम है इनका ये चंद्रू जो पकड़ा गया है, इनके ये पुत्र है, इनका नाम है, इनके पापा का नाम है अरमुगम। ये इनका रूट्स जो है ओरिजिन तमिलनाडु से मिला है, और ये स्थित है दक्षिण दिल्ली अंबेडकर नगर मदनगिरी से है। और इनमें अन्य नाम जो हमें मिला है वो है पवन, आकाश। अभी तक पूछताछ में ये चला है ये पवन आकाश दो है, वो दोनों भाई है, और इनका दायित्व है, जैसे मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करते हैं, टीम टाइप। ये टीम में इनका काम था पंचर करने का, और किशन जो है वो इस पूरा गिरोह का मास्टरमाइंड था, और सोनू, अनिल, संजय और रॉबिन, ये 4 लोग हैं जो सहायता करते हैं। ये वहाँ पे अभी पूछताछ में ये पता चला कि वो भी वहाँ पे मौजूद थे घटनास्थल पे। इनका काम था जो वादी है उनको एंगेज करना, उनका दृष्टि बदलना, और चंद्रू जो बैग को हम जिनको पकड़ा है उनको सहायता करना, बैग को उठाना और फिर वहाँ से भागने का। तो जो वादी है वो अपने आप थोड़ा सा डिसएंगेज हो गए थे पंचर शॉप के यहाँ, तो इनको और भी आसान हो गया। चंद्रू जो अभियुक्त है जो पकड़ा गया है, वो गाड़ी से सीधा बैग उठाया और वो भाग गए थे। नहीं, इनका अलग अलग टाइप का मोडस ऑपरेंडी होते हैं। मोडस ऑपरेंडी में मुख्य बिंदु आपको ये समझना है कि इनका काम है दृष्टि बदलना। वो पंचर से करते हैं, नहीं तो काली तेल डालते हैं बोनेट पे और बोलते हैं कि भैया आपके बोनेट पे काली तेल है, तो ये जब उतर के आगे आएगा देखने के लिए, फिर कोई दूसरे आएंगे पूछने के लिए भैया ये एड्रेस कहाँ है, तब तक पीछे का पूरा जब गाड़ी क्लीन रहती है, इनका दृष्टि कहीं दूसरे जगह पे रहता है, तो वो चोरी कर लेते। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।